लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माता पिता का नाम रोशन करो जी। हमारे लिए तो माता भी तुम ही हो और पिता भी तुम ही हो। और मेरा भी तुम दोनों के सिवा इस दुनिया में कौन है? दीदी हम तो छोटे हैं, हम तुम्हें राखी की क्या भेंट दें? वही जो हमेशा देते हो। अच्छा दीदी अब हम बाग में जाके खेलते हैं, चलो राम। नमस्ते चाचा। पार्वती जी चाचा, आज खुशी का त्योहार है और मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ बेटी। कैसी खुशखबरी चाचा? सेठ गोविंद दास जी ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। बाप अमीर है और बेटा शरीफ। चाचा मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि जब तक राम और राजा बड़े नहीं हो जाते मैं अपनी शादी का सोच भी नहीं सकती। तुम उसकी फिक्र मत करो बेटी, मैंने पहले सेठ जी को मना लिया है। शादी के बाद उनका बेटा यहाँ आके हमारे पास रहेगा और सारा काम काज संभालेगा। राम और राजा भी तुमसे बिछड़ेंगे नहीं, फिर तो ठीक है ना? नहीं चाचा नहीं, इससे तो मेरी उलझनें और बढ़ जाएंगी। हो सकता है एक दिन मुझे अपने पति और भाइयों के बीच चुनाव करना पड़े, उस वक्त मैं क्या करूंगी चाचा? वो घड़ी मेरे लिए बहुत कठिन घड़ी होगी। लेकिन बेटी तुम क्या सारी उम्र सारी बाकी है चाचा, ये फैसले बाद में भी हो सकते हैं। आप इन्हें लिख दीजिए कि अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं। मुझे बचा लीजिए सर जी, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, फिर भी पुलिस मेरा पीछा कर रही है। तुम बेकसूर हो तो पुलिस क्यों तुम्हारा पीछा कर रही है? क्या बताऊँ सर जी, मैं अपने गांव से 5,000 रुपया लेकर अपनी छोटी बहन की शादी का छोड़ा और गहने खरीदने के लिए यहाँ आया था। न जाने पुलिस वालों को क्यों मुझ पर शक हो गया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उनका ये कहना है मेरे पास जो नोट थे वो जाली नोट थे। पंचमी के दिन मेरी छोटी बहन की शादी है, अगर उसे मालूम हुआ कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है तो मेरे दरवाजे से मेरी बहन की डोली नहीं उसकी अच्छी उठेगी। सर जी मुझ पर नहीं तो मेरी बेसहारा बहन पर रहम कीजिए और थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ छुपा दीजिए। छुप जाओ, छुप जाओ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हम एक मुजरिम का पीछा कर रहे हैं, मैंने इसे सरफराज देखा। यहाँ आपसे देखा, यहाँ तो कोई नहीं आया। अच्छा चलो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सेठ जी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरी बेसहारा बहन बेचारी घर में अकेली है, मेरी राह देख रही होगी। जब उसे मालूम होगा कि उस बेचारी की शादी नहीं हो रही न जाने उसके दिल पर क्या बीतेगी। चल तुम्हारी बहन की शादी होगी, जरूर होगी और बसंत पंचमी के दिन ही होगी। जी तुम्हारे 5,000 रुपए गए ना, 5,000 रुपए मैं देता हूँ, जाके अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। सेठ जी आप इंतजार नहीं करते ऐसा, यहाँ ठहरो मैं अभी आया। बहुत बहुत मेहरबानी सेठ जी। क्या देख रहे हो बटे?
अब सिर्फ 5,000 से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तिजोरी का सारा माल मेरे हवाले कर। क्या कह रहे हो तुम? बहरे हो क्या? तुम्हें भगवान का भी डर नहीं? एक मिनट पहले मैंने तुम पे दया की और तुम्हें पुलिस से बचाया, और एक मिनट में तुम डाकुओं की तरह पिस्तौल मेरे सीने पे तान रहे हो। डाकुओं की तरह नहीं, डाकू ही। इसलिए पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही? बिल्कुल। तो वो 5,000 रुपए तुम्हारी बहन की शादी महल धोखा था? सब धोखा था। ला जा नहीं, नहीं, ये मेरी दौलत नहीं, ये स्वर्गवासी राम प्रसाद जी की अमानत है मेरे पास। मैं उनका बहुत पुराना मुलाजिम हूँ, अब मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ। तुम इस दौलत को हाथ पर लगाओ भाई। क्या क्या किससे बात कर रहे हो? माल तो तिजोरी में पड़े हुए माल से भी ज्यादा कीमती है। पार्वती, तुम चल जाओ अपने कमरे में, दरवाजा बंद कर लो। ये कौन है? मेरे भाई है। फिर तो सादा और भी सीधा और सस्ता हो गया है। अगर तुम अपने भाइयों की खैरियत चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो, अपने भाइयों की जिंदगी नहीं चाहिए क्या? इस बिचारे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कुछ दिनों के बाद इसकी शादी होने वाली है। तुम चाहो तो सारी दौलत ले जाओ, लेकिन इसकी जिंदगी बर्बाद है। जिंदगी बर्बाद नहीं चाहिए मुझे। दौलत से ज्यादा मुझे आलस से प्यार है। दौलत तुम रख लो, इसे मैं ले जाता। पारो, तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं। अगर तुम इस बुढ़े चाचा और अपने दोनों मासूम भाइयों की जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप खुशी खुशी मेरे साथ चलो, वरना मैं इन तीनों को यही खत्म कर दूंगा और तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। बोलो, तुम्हें कौन सा रास्ता मंजूर है? एक बात का ध्यान रखना, मेरे भाइयों को ये कभी नहीं मालूम होने देना कि मैं किसके साथ किस हालत में कहां गई थी। बस उन्हें इतना ही बताना कि उनकी बहन मर गई थी। कमी है। कान खोल कर सुन ले बुड्ढे, अगर तूने जरा भी चलाकी करने की कोशिश की या पुलिस को मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हारे सेठ राम प्रसाद की 3 निशानियां जो अभी तक जिंदा मौजूद हैं उनमें से एक भी नहीं बचेगी। समझे? बता कौन है वो लोग? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं। झूठे कहीं के, तेरे गले से सच बात निकालने का तरीका मुझे मालूम है। अब बता कौन है वो लोग? बताता है, 1,000 बार तुझे समझाया है। पुलिस चाहे तुझे कितना ही क्यों न मारे, कितनी ही धमकी क्यों न दे, तेरे मुंह से सच कभी नहीं निकलना चाहिए। ऐसा समझाया कि नहीं? भूल हो गई, माफ कर दो, तो कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर फिर ऐसी गलती की तो तेरी चमड़ी उतार दूंगा। अच्छा पिताजी। इतनी बार मना किया है मुझे पिताजी, मत कहा कर, सरदार कहा कर। भूल हो गई पिताजी, माफ कर दो पिताजी। बेटा बाप को पिताजी कहकर पुकारे, क्या ये भी गुनाह है? इस गन्ने से जानते इतना जुलम करते हो,
तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं, जरा भी तरस नहीं। जो आग पीते हैं और गोलियां खाते हैं वो दया और तरस जैसी चीजें ना खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं, और ना ही उनके पास इन फजूल चीजों के लिए के वक्त होता है। ये चीजें इंसान को कायर बना देती हैं, और मैं इसे मर्द बनाना चाहता हूँ। बना कर भी क्या करोगे तुम? इसे जंग के मैदान में भेजोगे देश की रक्षा के लिए, या पुलिस का अफसर बनाओगे समाज की भलाई के लिए? एर सिंह, मैंने कितनी बार तुम्हारे सामने हाथ जोड़े हैं, आज भी हाथ जोड़ती हूँ। इसे पढ़ा लिखा कर इंसान बनाओ, अपने जैसा शैतान मत बनाओ। चुप बदतमीज, आज कल तुम बहुत नफरत लगी है, अपनी जबान का लगाम दो वरना खींच लूंगा भाई से। चलो करो, चलो भैया। माँ एक बात बताओ। क्या बेटी? तुम रात को मुझे राजा रामचंद्र और राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाती हो और सिखाती हो, चाहे जान चली जाए हमेशा सच बोलना। दिन में सरदार मुझे मारता है और सिखाता है, चाहे जान चली जाए हमेशा झूठ बोलना। समझ में नहीं आता मैं किसकी बात मानूं। बेटा, हर शरीर के अंदर एक आत्मा होती है जिसे न तलवार काट सकती है और न आग जला सकती है। तुम हमेशा उसी की आवाज सुनना, उसी की बात मानना बेटा। लेकिन माँ, तुम तो हमेशा सरदार की बात मानती हो, वो क्यों? तुम्हारी खातिर बेटा। मेरे खातिर? हाँ दीपू, मैं तो इसी उम्मीद पे जिंदा हूँ कि एक न एक दिन अपने भाइयों से जरूर मुलाकात होगी। वो जब भी मिलेंगे मैं तुझे उन्हें सौंप दूंगी ताकि मैं आराम से मर सकूं। नहीं माँ, मैं मरने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम बताओ मेरे मामा कहाँ? मैं किसी तरह यहाँ से भाग जाऊंगा और उन्हें ढूंढ कर तुम्हारे पास ले आऊंगा, तुम्हारा सारा दुख मिटा दूंगा। बेटा अभी नहीं, वक्त आने दो। ओफो, जब देखो तब तुम यही कहती हो, वक्त आने दो, वक्त आने दो। तुम्हारे भाई भी कैसे भाई हैं? अपनी बहन को ढूंढने भी नहीं आते। वो कैसे आएंगे बेटा? वो तो यही समझते होंगे कि उनकी बहन मर चुकी है। 15 साल बीत गए जब उन्हें छोड़कर आई थी, तो वो तुम्हारी उम्र के थे। कौन जाने अब वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। जाने बिल्कुल ठीक ठाक है।
बिल्कुल ठीक ठाक है जी। क्या मुझे घबराइए मत, ये मेरा बंदर है, मेरा प्यादा है, जिससे आप डर के भागी थी उसको तो मैंने भगा दिया जी, भगा दिया, देख लीजिए प्यादे, सेकंड 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 हाँ जी, अदा करो अदा करो अदा अदा, शाबाश बेटे, शुक्र है आप वक्त पर पहुंचे और मुझे बचा लिया, नहीं तो वो बैल मुझे मार ही डालता, पता नहीं मुआ मेरे पीछे क्यों पड़ गया था। वो आपको मालूम नहीं, लाल रंग देख के, सॉरी लाल रंग देख के बैल चमक जाते हैं। राजा मेरा नाम है और कॉलेज में पढ़ना मेरा काम है। लेकिन आपके कपड़ों से और बातों से तो आप फिल्म के हीरो दिखते हैं। हीरो शौक तो बहुत है लेकिन तो चांस वांस नहीं मिला, वैसे अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी हो ही रही है, रोज सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, तलवार चलाना सीखता हूँ, संडे के दिन घोड़ सवारी करता हूँ, क्योंकि आजकल की पिक्चरों में मार पिटाई एक्शन बहुत है ना, इसलिए डिशुम डिशुम भी सीख रहा हूँ। आपने तो मेरे बारे में तो सब कुछ ही पूछ लिया, आपके बारे में दो शब्द हो जाए। मेरा नाम रानी है। रानी, वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरा नाम राजा और आपका नाम रानी। वैसे मेरे पिताजी पुलिस के रिटायर्ड हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप यहाँ अकेले क्या कर रही है? मैं अपनी सहेलियों के साथ सामने वाली स्टेट में पिकनिक के लिए आई हुई थी, अचानक बैल ने धावा बोला, वो सब तो भाग गई लेकिन मैं पकड़ी गई। ओह दैट्स वेरी सैड, चलिए एक तरह से अच्छा ही हुआ हम दोनों की मुलाकात तो हो गई। मैं चलती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको छोड़ने आ जाऊंगा तक जी नहीं, मैं चलती हूँ, संभल के जाइए चले। तेरा राजा की रानी बेटे, वहीं खड़ी रहा, वहीं खड़ी रहा, एक कदम आगे मत बढ़ाना नहीं तो गोली चला दूंगा। क्या हुआ, आपने ये हाथ में बंदूक क्यों उठा रखी है? सवाल पूछना मेरा काम है तेरा नहीं, जो पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब दो नहीं तो गोली चला दूंगा। मगर डैडी आप इतनी बड़ी सजा मुझे किस भूल के लिए देना चाहते हैं? इसलिए कि आज तू मेरी इजाजत लिए बगैर ही घर से बाहर चली गई और इतनी देर के बाद आई। ओह तो जो भूल करता है उसको सजा मिलनी ही चाहिए, क्यों? मैं मेरा असूल तो यही कहता है। तो ठीक है, आप अपनी बंदूक का रुख अपने ही सीने की तरफ कर लीजिए। क्यों 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 क्यों? इसलिए कि कसूरवार मैं नहीं आप हैं। मैं वो कैसे? आप भूल रहे हैं डैडी, मैं आपकी इजाजत लेकर ही घर से बाहर गई थी, सुबह मेरी सहेलियां आई थी मुझे पिकनिक में ले जाने के लिए, आपने खुद मुझे मोटर तक छोड़ा, दरवाजा बंद किया और ताड़ा भी किया, कहीं किया था कि नहीं? अरे हाँ याद आया, ऐसे ताड़ा किया था। आप बुढ़ापे में आकर तो बिल्कुल बच्चे हो गए हैं डैडी, डॉक्टर के मना करने पर भी आप मेरे घर पे ना होने का फायदा उठाकर खुद शिकार पर जाना चाहते थे, और शिकार भी किस चीज का, शेर या चीते का नहीं, तीतर और बटेर और बेचारे खरगोश का। कहिए डैडी, मैंने ठीक पकड़ी कि नहीं आपकी चोरी? अरे मेरी बिटिया बहुत होशियार हो गई है, तूने आज साबित कर दिया है कि तू वाकई एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है। अच्छा बेटे जा मेरे लिए एक प्याला खरगोश ले आ। खरगोश 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 खर, 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 खरगोश नहीं चाय 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 नहीं। थैंक यू वेरी मच, अगर आप ना आते तो वो गुंडे मेरे 10,000 रुपया लूट के ले जाते जो मैं अभी अभी बैंक से निकाल के लाई थी। वो तो ठीक है, लेकिन आपको इतने सारे रुपए लेके सड़कों पे अकेला घूमना नहीं चाहिए। क्या करती, टैक्सी नहीं मिली, आप एक और मेहरबानी करेंगे मुझ पे? क्या? मुझे अपने घर तक पहुंचा दीजिए। घर तक? हाँ, मुझे बड़ा डर लगता है कहीं वो गुंडे फिर मेरे पीछे ना पड़ जाए। ओके थैंक यू, बैठो ना बैठो। माफ कीजिएगा, मेरे पास ऐसे फिजूल चीजों के लिए वक्त नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? सच बताओ, मैं अपना दिल अपनी जान तुम्हारे पाँव में रखना चाहती हूँ। बंद करो ये बकवास, तुम मुझे समझती क्या हो? मैं तो ठीक ही समझ रही हूँ, तुम उल्टा समझ रहे हो।
मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? हाँ, तुम सिर्फ हाँ कह दो, फिर मैं, मेरी दुनिया, मेरी लाखों की दौलत, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। शायद आप मुझे जानती नहीं, दुनिया की तमाम दौलत और सारा रुपया मुझे और मेरे उसूलों को नहीं खरीद सकता, समझे? नहीं, नहीं, तुम मुझे इस तरह टुकरा कर नहीं जा सकते। मैं क्या छोड़ दो? क्या बात रहा? कमिश्नर साहब? हाँ, मैं। और ये है हमारे सीआईडी डिपार्टमेंट के विमेंस विंग की एक ऑफिसर, मिस शोभा। हेलो। और वो गुंडे, वो भी पुलिस के ही आदमी थे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर, ये तुम्हारा इम्तिहान। इम्तिहान? हाँ, एक आदमी है जिसका नाम है शेर सिंह और काम है चोरी, डाका, स्मगलिंग। दुनिया का कोई ऐसा हथियार नहीं है जो वो इस्तेमाल न करता हो, बंदूक, रुपया, औरत। उसे ढूंढने की और गिरफ्तार करने की ड्यूटी मैं एक ऐसे ऑफिसर को देना चाहता था जिसे बंदूक छेद न सके, रुपया खरीद न सके, औरत जीत न सके। मुझे खुशी है कि आज मुझे ऐसा ऑफिसर मिल गया। चाचा, 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 राजा, आज तुम फिर देर से आए हो। राम मुझे दोष देता है कि मैं तुम्हें लाल प्यार से बिगाड़ता हूँ। आखिर बेटी, मैं कब तक पर्दा डाल सकता हूँ? तो इसका मतलब है कि राजा रोज देर से आता है चाचा, और आप ये बात मुझसे रोज छिपाते हैं? हाँ, अरे तुम राम हो? जी चाचा। लानत है मुझ पे, तुम दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती है कि बरसों के बाद भी मैं धोखा खा जाता हूँ। तुम आज जल्दी घर आ गए भैया, और तुम रोज इतनी देर से आते हो। नहीं नहीं, नहीं भैया, मैं तो घर जल्दी से आ जाता हूँ। क्यों चाचा? बस बस, तुम्हारा भांडा फूट चुका है, बताओ कहाँ घूम रहे थे अब तक? भैया कॉलेज के बाद तो हॉर्स राइडिंग ले गया हुआ था, और वहाँ एक बड़ा फिल्मी ड्रामा हो गया, बिल्कुल फिल्म सीक्वेंस की तरह। क्या हुआ भैया कि खट्टा कट्टा बैल एक लड़की पे हमला कर रहा था। मैंने लड़की को बचाने के लिए और अपना रब जमाने के लिए धर्मेंद्र की तरह उसको छलांग मारी। और भैया आप झूठ समझ रहे हैं, मैं गॉड प्रॉमिस कर रहा हूं भैया, इसलिए मुझे देर हो गई। फिर तुम्हें 7:30 बजे घर आ जाता हूं। क्यों चाचा? राजा, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना था कि तुम एक्टर वैक्टर बनने के चक्कर में अपने पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, और अगर तुम इस बार फिर फेल हो गए ना तो अरे अगर पढ़ाई लिखाई मेरे भेजे में नहीं घुसती तो इसमें मेरा क्या दोष है? और अगर कहीं फेल भी हो गया तो तुम मुझे जेल भेजोगे, घर से बाहर निकालोगे, फांसी पे चढ़ाओगे? राजा, तुम इतनी जल्दी कहां से कहां पहुंच जाते हो? एक्टर जो ठहरा ना, 24 घंटे डायलॉगबाजी करता रहता है, और ये हमेशा अपनी अफसरी का रोब जमाता है। राम, ये घर है तेरा, हवालात नहीं, शेड है। यू शट अप। बस बस, तुम दोनों भाई झगड़ना बंद करो, चल के खाना खा लो। मुझे नहीं खाना चाचा। ये क्या बचपना है राजा, खाना क्यों नहीं खाओगे? अरे मेरी मर्जी। अब ज्यादा नखरे मत करो, चल के खाना खाओ, मुझे भूख लग रही है। कह दिया ना कि नहीं खाऊंगा मैं। ठीक है चाचा, अब तो मुझे भी भूख नहीं है, तुम अकेले ही खा लो। नाराज हो गया? तुझे तो मालूम है मैं ड्रामे करता रहता हूं, मेरी खातिर तुझे भूखा रहने की क्या जरूरत है? अरे पगले, तू ये सोच भी कैसे सकता है मैं तेरे बिना खा सकता हूं? भूलो गई भैया, माफ कर दो ना। आप खाना खाए? चल। मिस माला, yes, sir. मुझे बड़ी खुशी हुई कि कॉलेज ड्रामा कमेटी ने तुम्हें हीरोइन के पार्ट के लिए चुना है, और उम्मीद है कि तुम अपना रोल खूबी से अदा करोगे। I'll try my best, sir. Best of luck. अब रहा सवाल हीरो का। इस सवाल का जवाब आपके सामने जिंदा मौजूद है सर। हीरो के रोल के लिए मैं अपने आप को आपके सामने पेश करता हूँ। हटने की क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? शीश महल ड्रामे के पूरे डायलॉग मुझे अभी से याद है सर। तुम्हारी आंखों में मेरी मोहब्बत की तकदीर लिखी हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों, मैं हीरो नहीं बन सकता? जरूर बन सकते हो, अगर ड्रामा राम भक्त हनुमान होता। नो पर्सनल रिमार्क्स मिस माला। थैंक यू सर। आई एम सॉरी सर। मैं आप सबकी राय पूछता हूँ कि हीरो के लिए और किसे चुना जा सकता है? जरूरत नहीं, हीरो के सामने। आप लोगों की तालियों से ये पता चलता है
कि राजा ही आपको हीरो के लिए पसंद है। सर, राजा मुझे बहुत पसंद है, आई मीन हीरो के लिए। अब कास्ट में सिर्फ विलन बाकी रह गया है। सर, मिस्टर चंदर को ही विलन बना दीजिए। तो चंदर, तुम्हें मंजूर है? मिस माला की मर्जी सर आंखों पर। तो ठीक है, तुम लोग कल से रिहर्सल शुरू कर दो। लेट्स डिस्पर्स राजा। हाँ, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। कोई बात नहीं, अब मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक बहुत शानदार नाटक पेश करेंगे। सोचा था क्या क्या हो गया, सोचा था इस नाटक में हीरो बनूंगा तो माला के करीब आने का मौका मिलेगा, को अपनी बाहों में ले लूंगा, उसे गले से लगा लूंगा और उसके दिल में अपने प्यार का शोला भड़का दूंगा। लेकिन अफसोस, चांद राजा का बच्चा ले गया। आपके बातों से और कपड़ों से तो आप फिल्म के हीरो दिखते हैं। अरे क्या इत्तेफाक है, मेरा नाम राजा राव था रानी। आई थी वो क्या आज भी आएगी वो, आए तो आए मजा आ जाए। कल यहाँ आई थी वो क्या आज भी आएगी वो, आए तो आए मजा आ जाए। हाथों से मेरे निकल गया है कितना अच्छा मौका, दे गई धोखा, दे गई धोखा, आई गई यूं गुजर गया जैसे एक हवा का धोखा, दे गई धोखा, दे गई धोखा। शर्माई थी वो क्या फिर यूं ही शर्माएगी वो, शर्माए तो आए मजा आ जाए। दिल पर जानी, दिल पर जानी, आज तो जाने दूंगा उसे मैं लेके प्रेम निशानी, वो दिल पर जानी, दिल पर जानी। डर के यूं घबराई थी वो के आज फिर घबराएगी वो, घबराए तो आए मजा आ जाए। कल यहाँ आई थी वो क्या आज भी आएगी वो, आए तो आए मजा आ जाए। चलो
चल उतर प्यादे। देख मैं अपनी रानी को ढूंढने जा रहा हूँ, अब तू जाके अपना काम कर। जा। शाबाश। चल फट। चल बेटे घूम। तुम्हारी गुड सवारी देख के ऐसा लगता है कि तुम हिंदुस्तान के सबसे बड़े काउबॉय बनो। बात ठीक कह रहा मेरा यार। राजा तुमको देखकर जॉन और एलविस पिछले की याद आती। अच्छा थैंक यू। ला जरा हार दे भाई। तुम्हारे लिए राजा आज शाम को ड्रामा है ना, तो मैं ये कहने आया हूँ स्टेज पर जरा हमको एक्टिंग का मौका देना। मैं कहने की बात है चंदन, देख भाई काम अच्छा करोगे सबको नाम अच्छा मिलेगा। हाँ। भाई माला लाया अब तो पहननी पड़ेगी। कम ऑन ऑल द बेस्ट थी। ना करो यार हर कोई बात करो अपना बात करो। एल्विस प्रिस्ले राजा हीरो हीरो रहेगा विलन विलन। फॉलो मी चलो चल चल चल। अरे ये नहीं हाथी खोल। बाबा ठहरो ना। तुम पहले खोलो मैं बाजे बताता हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? मेरे डैडी तुमसे मिलना चाहते थे इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आई थी। डैडी मिलना चाहते थे? तुम भी मिलना चाहती थी? मैं भी चाहती थी। तो फिर ये सड़क कितनी खराब है। नहीं 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 सड़क का खराब है, हम तो सही सड़क पर हैं। बातें बनाना खूब आता है तुम्हें। मैं बातें बना रहा हूँ? मैं झूठ नहीं कहता रानी, अपुन की तो उसी दिन घंटी बज गई थी जब आप उस दिन मुझसे क्या बात है यार क्या मजा आता। अच्छा बता उस दिन तुम्हें कुछ महसूस हुआ था? उस दिन? हाँ उस दिन। उस दिन तो मैं अपने होश में नहीं थी। होश में नहीं थी? मेरा मतलब होश में नहीं थी, मैं भी होश में नहीं था। नमाई नमाई क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में मेरी मोहब्बत की तकदीर लिखी हुई है, उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा तुम्हें एक्टर के साथ शायर भी होना चाहिए था। अगर मैं शायर हूँ रानी तो तुम मेरा सबसे खूबसूरत सबसे प्यारा शेर हो। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथ बेचना चाहता हूँ। खरीदोगे? गैरेज में बंद है। तुमने सो गए थे उन सरों ने हमें यहां बंद कर दिया। अब तो सोचो निकलने का रास्ता। तमाशा देखना हीरो हीरो ही रहेगा, विलन विलन ही रहेगा। अजीब लेकर लाया हूँ दिल को मेरे तुझ बेनिसार होकर। प्रताप तो
हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इजाजत के बगैर यहाँ आने की? राजकुमारी, प्यार किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करता। आपको अपनी जवानी की कसम, इन चांद सितारों की कसम, एक बार हमारी आंखों में आगे डाल कर देखिए और बताइए रामगढ़ के राजकुमार में ऐसी क्या खूबी है जो हम में नहीं है? बताओ। बताइए। वो राजकुमार है, राजा का बेटा। तुम तो सिर्फ गुलाम हो, गुलाम के बेटे। सेनापति भी एक तरह का गुलाम ही होता है। चले जाओ यहाँ से। तो फिर इस गुलाम को थोड़ी सी गुस्ताखी करने की इजाजत दीजिए। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। बताओ सही, छोड़ दो से। गाड़ी के टिक्के में बनने दिया था। हाँ, मुझे माफ करके भूल हो गई। हाँ, भूल हो गई। आंखों में मेरी मोहब्बत की तकदीर लिखी हुई है, उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे, मैं तो समझती थी तुम सिर्फ एक बहादुर राजकुमार हो, तुम तो शायर ही हो। अगर मैं शायर हूँ तो तुम मेरा सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर शेर हो। राजकुमारी, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथ में खरीदोगी? नहीं, ये झूठ है, धोखा है। क्या पकड़ी है तू?
तुम्हारा नकाब लट रही हूँ और इस भोले लड़के को बता रही हूँ कि यही प्यार का नाटक कुछ देर पहले तुम मुझसे खेल चुके हो टारगेट इक्की में। पर्दा बंद करो, ये सब क्या है राजा? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? राजा क्या तलवार बाजी थी? तलवार बाजी तो क्या, हमें इश्क बाजी नहीं पसंद आई, चालीस तारीख की। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो उस वक्त था राजा जब उस चंदर के बच्चे की तूने धज्जा उड़ा दी और वो स्टेज से तुम दबा कर भागा। किसी एक्टर की इस तरह हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो एक्टर एक्टर होता है और फिर चंदर बादशाह एक्टर। राजा आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर। खैर यार, और स्पेयर इन लव एंड वॉर? नहीं, एक बार अपने मुंह से कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। छोड़ यार, दोस्तों में गुनाह क्या माफी क्या, वी आर फ्रेंड्स। थैंक यू राजा, आज से मैं तुम्हारा साथी हूँ, कभी भी मेरी जान की जरूरत पड़े तो वो हाजिर है तुम्हारे लिए राजा। ये बिना बात है राजा, तुम कुछ भी कहो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। तो दो शरीर आपस में छूटते हैं, इन पास पास सड़कते हैं और कोई असर ही ना होता हो। तुम्हारा ख्याल गलत है राजा, और मुसीबत तो यह है कि तुम्हारे तरह लोग भी एक कलाकार के पेशे को सच समझते हैं और फिर बातें बनाते हैं। अरे पगली, सच्चा प्यार तो इंसान जिंदगी में एक से कर सकता है, हर किसी से नहीं, और मैंने प्यार तुमसे किया है। तुम तो खामा का मुझ पे शक करती। अगर मैं ये साबित कर दूं कि मेरा शक गलत नहीं है, तुम दूसरे लड़के से भी प्यार कर सकते हो तो? जिस दिन साबित कर दोगी ना, उस दिन से हम एक्टिंग क्या पिक्चर भी देखना छोड़ देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्यारे मेरा सेक्रेटरी है। प्रोड्यूसर साहब, मैंने पहले आपका कभी नाम नहीं सुना। अरे नाम से क्या होता है, अरे नाम तो थैंक यू बुलाने से होता है ना। यानी कि कंपनी बिल्कुल नई है? अरे बिल्कुल ब्रांड न्यू कंपनी है, हमारी स्टोरी नई है, हमारा हमारा ऑफिस बॉय नया है, हमारी पिक्चर नई है, हमारा डायरेक्टर नया है। और आप भी नए हैं? ऑफ कोर्स, डायरेक्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट यही नहीं, हमारे सितारे भी नए हैं। ओ माई ट्विंकल ट्विंकल न्यू स्टार, यू डोंट नो व्हाट यू आर, आई विल मेक यू ए शूटिंग स्टार। आपकी हीरोइन भी नहीं है सर? अरे क्या बात करता है, हमारा हीरो ताजा ताजा है तो हमारी हीरोइन बाची होएंगी क्या? अरे गर्मा गर्म जवानी, अरे नई जवानी, नया सेक्स। मैं कब मिल सकता हूँ? अरे तुम तो अभी से बेचैन हो गया, पहला दिन शूटिंग के अंदर मिला देगा मेकअप रूम में। मिस्टर मालपानी, आपने पिक्चर का नाम क्या रखा है? अरे वो अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा? परीक्षा? अरे भाई वो फायर एग्जामिनेशन यार, अग्नि परीक्षा। सर आपकी हर चीज नई है, ये घिसा पिटा पुराना नाम क्यों? अरे यार तुम इन बातों को नहीं समझोगे, पुराने नाम पब्लिक को याद है, नया नाम कौन याद करेगा? और इन नामों के चक्कर में तुम क्यों पढ़ते हो यार? तुम नामे की बात करो, रुपया कितना लोगे? सर रुपये की क्या बात है, आप जो मुनासिब समझे दे दीजिए। अरे बड़खुरदार, यू आर वेरी फ्लेक्सिबल, तुम जरूर तरक्की करोगे। ये लो हजार रुपए का बंडल। हजार रुपए? हाँ, हीरो के रोल में सिर्फ हजार रुपए? अरे तो एडवांस है यार, दूसरे बंडल बाद में आएंगे ना। शूटिंग कब शुरू कर रहे हैं? सोमवार के दिन नेहरू गार्डन में सुबह 7 बजे। एक्सक्यूज मी सर, मेरा कॉस्ट्यूम ठीक है सर? अरे यार बिल्कुल ठीक है, हमने पसंद किया है तो ठीक नहीं होगा क्या? अच्छा सुनो, तुम अंधे हो? मैं अंधा हूँ सर। अरे यार तुम स्टोरी के अंदर अंधे हो यार, इतना नहीं समझते तो अंधे हो, तुम कुछ नहीं देखोगे। एक नाम क्या नाम लेता हुआ आ गया था यार, मोहिनी, मोहिनी। अबे यार इतना आधे मोहिनी मोहिनी पुकारेगा? अरे पुकारेगा मोहिनी मोहिनी। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि हमारा काम कैमरा जो है वो तुम्हारे ऊपर दौड़ता है। अरे दौड़ो यार कैमरे, क्या कर रहे हो? उसमें 200 का लेंस होता है, जूम होता है, और उस टाइम तुम्हारी आंखों में खुशी की चमक होनी चाहिए। सर मेरी आंखें तो बंद है, खुशियों की रोशनी की चमक कैसी होगी? अरे यार ये हीरो लोगों में डिस्कशन की आदत क्यों होती है यार? अरे हीरो वही होता है, आर्टिस्ट वही होता है कि आंखें बंद है लेकिन चेहरे के ऊपर चमक है। इसी पर अवार्ड मिलता है, नहीं मिलेगा तो हम दिलवाएंगे तुमको। सर कट, इतना अच्छा शॉट खराब कर दिया तुमने, कैमरा चालू नहीं था। अरे यार तुम क्यों बोलते हो? लाइट लाइट, अरे यार इतनी बड़ी लाइट तुमको नहीं दिख रही है? अरे भाई तुम अंधे हो, तुम आंखें बंद रखो, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, तुम जाओ रेसल करो, चलो जाओ।
अरे दबू, इसको एक पोते देना कागज का फूल और यू को देख भाई तुम किधर जा रहे हो? इधर आओ, जब देखो छोकरी के पास चांस लेता है, राम और शाम किधर गए? पानी लाओ यार। मोहिनी ठीक है सर। अरे यार फिर तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, तुमसे कहा ना तुम्हें कुछ नहीं दिखता, आगे बंद रखो और पैदल पुकारते रहो मोहिनी मोहिनी मोहिनी। मोहिनी मेरी मन मोहिनी, मेरी महत मोहिनी, मोहिनी मोहिनी मोहिनी। क्योंकि महिला जी आप तो कुछ ज्यादा ही लिपटा लिपटी कर रही हैं। मालूम होता है तुम अपना दिल हथेली पे नहीं घूमती हो। देखिए महिला जी, ना तो मेरा दिल इतना सस्ता, ना तो मैं बेचने के लिए। राजा मैं तुम्हारे अगर मर जाऊंगी, मुझसे ब्याह कर लो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों से गुजार दूंगी। ये तुम्हारे डायलॉग है या तुम सचमुच कर रही हो? नहीं 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 मैं सच कर रही हूँ। तो यह नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? लेकिन मैं एक रानी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करने वाला, पर तुमको क्या है? आपकी हीरोइन लाइन मारती है मुझसे। अरे मेरे राजा, अब तुम बड़े आंखें खोलो और देखो तुम्हारी हीरोइन कौन है, कौन लाइन मार रही है। शॉकिंग आइटम। सब क्या तमाशा सर? अरे यार ये सब तमाशा, तुम्हारी रानी ने तुम्हारी मोहब्बत को हारने के लिए रचाया था। अरे हाँ यार, हीरोइन भी नकली थी, डायरेक्टर भी नकली था और कैमरा भी नकली था, मगर मेरे राजा तुम्हारा प्यार असली है और जो तुम्हारी जिंदगी की फिल्म की हीरोइन है वो भी असली है। एंड आई होप तुम दोनों को अवार्ड जरूर मिलेगा। आई विश यू गुड लक नाउ। अरे हीरो हीरोइन को छोड़कर बाकी सब भाड़ेंगे टकलों का पैकअप, यही से मेरा भी पैकअप। तो आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? कितने रुपए बर्बाद किए इस तमाशे पे? रुपयों को मारो कोई, मालूम तो हो गया तुम्हारा प्यार इधर से करने। ओ खरे खोटे का एक सबूत मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। क्या जी चाहता थोड़ी? ये औरतें कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं सुधर सकती, देख लेना। बातें बड़ी लंबी ये कहानी बनी,
छोटी सीधी बातें बड़ी लंबी ये कहानी बनी। ला 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 वाकई बहुत खूबसूरत है सेठ जी। क्या कीमत है इसकी? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख। वैसे तो आपकी दुकान में कीमतें हमेशा मुनासिब होती हैं। माफ कीजिए, यहाँ चेक लेने का दस्तूर नहीं है। नकद हो जाए तो? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी गाड़ी से कैश मंगवा देता हूँ। कोई ब्लैक कलर की पुरानी गाड़ी है भाई, मुझे शक है कि शेर सिंह उसी में है। एनजी रोड से रवाना हुई थी करीबन 11:15। राइट, वायरलेस अरेव है। थैंक यू। उसकी बातों में आकर तुमने उसे भगा दिया, जानती हो एक मुजरिम है। मुजरिम वो नहीं, मुजरिम तुम हो। अब ये रानी तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। राजा? अच्छा, मैं राजा नहीं हूँ, राजा का बड़ा भाई राम हूँ। ना आउट। जाओ राजा जाओ, आज से तुम्हारी मेरी कहानी खत्म। भूल जाओ अपनी रानी को। पता वो रानी कौन है? रानी, तुम्हें उसका नाम भी पता चल गया? हम पुलिस वालों से कोई चीज नहीं छिप सकती। पता वो लड़की कौन है? तो फिर पुलिस मास्टर साहब, वो एक रिटायर्ड DIG की बेटी है। रानी और मैं, मेरा मतलब है मैं और रानी। बेटे, बड़े भाई से पहले शादी करना चाहते हो? मोहब्बत थोड़ी देखती है कौन छोटा या कौन बड़ा है, वो तो बस हो ही जाती है। और तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर ने आज मुझे चक्कर में डाल दिया, मेरा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। मेरी मोहब्बत ने? कैसे भाई? मैं चोरों के गैंग की एक लड़की को पकड़ के ले जा रहा था कि रास्ते में आपकी महबूबा ने मुझे देख लिया। किसने? रानी ने? हाँ हाँ, तुम्हारी रानी ने। वो समझ बैठी कि मैं राजा हूँ और एक लड़की को भगा के कहीं ले जा रहा हूँ। फिर उस लड़की को तो भगा दिया उसने, खुद टूट पड़ी मुझ पे, किस्म किस्म की गालियां निकालने लगी, कहने लगी कि आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता टूट गया, आज से मेरी तुम्हारी कहानी खत्म। मरवा दिया मुझे तुमने, तो मरवा दिया मुझे। उससे पहले शक था कि मैं चालू, अभी तो उसे यकीन हो गया होगा। हे भगवान,
अगर दुनिया में पुलिस ना होती तो कितना अमन होता, कितनी शांति होती। दुनिया में पुलिस है इसीलिए अमन है, शांति है। एक दिन के लिए पुलिस ना हो तो दुनिया लूट का बाजार बन जाए, शहरों में खून की नदियां बहने लगे, गांव में डाकुओं का राज हो जाए। हमारा एहसान मानो तुम सब, पुलिस वाला जागता इसलिए तुम सुख की नींद सोते हो। मैं सच कह रहा हूं रानी, मेरी बात मान लो। अरे उस दिन वो मेरा बड़ा भाई राम था, मैं उसका छोटा भाई राजा। बस बस बस, तुम जब चाहते हो छोटे बन जाते हो, जब चाहते हो बड़े बन जाते हो। अब तुम्हारी एक्टिंग का जादू मुझ पर नहीं चलने वाला। नहीं रानी, मैं तुम्हारे सामने एक्टिंग नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारे प्यार की कसम खा के कहता हूं, मत खाओ मेरी कसम। तुम छोटे हो, झूठ तुम्हारे खून में रचा हुआ है। ए मिर्ज़ा, अपने ही अल्फाज वापस लो, चलो। नहीं लूंगी तो क्या मार डालोगे? मार डालो ताकि एक ही बार में सारा किस्सा खत्म हो जाए। किस्सा तो खत्म होना ही चाहिए। तुमने सिर्फ मुझे ही गाली नहीं दी, मेरे माँ बाप को गाली दी है, मेरे भाई को गाली दी है। मैं कहता हूँ अपने अल्फाज वापस लो, माफी मांगो। अरे नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। नहीं मांगेगी तू? नहीं। अब क्या कर रहे हो यार, खुलेआम तुम दोनों ने पब्लिक प्लेस में महाभारत शुरू कर दी। महाभारत मैंने नहीं, तुम्हारे दोस्त ने शुरू। आप तो अमन की देवी है। ये शक की दीवार मैंने खड़ी की, तुमने बोलो है रानी, तुमने शक किया तो बहुत बुरा किया। अरे शक तो वो बीमारी है जो हरे भरे संसार में आग लगा दे, बसे हुए घर उजाड़ दे। फिल्म आपकी कसम नहीं देखी? तुम चुप रहो जी, बीच में आ गए बड़े नारद मुनि बनकर। क्या हो रहा है भाई, आप सब लोग कहाँ से जमा हो गए? ये कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है? हाँ, फिल्म शूटिंग से कमती थोड़ी हो रही है। ये सब करने का है तो तुम्हारा गार्डन के ऊपर एक टैंक के बन के फैन के ऊपर एक घर में। हंगामा हो रहा है यहाँ पर। तुम है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, छोटी सी प्रेम कहानी, खेल खेल में झगड़ा, चोर मचाए चोर। चक्कर हो जाओ, चलो भागो यहाँ से। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इसको कुछ समझाने, फजूली में झगड़ा करती है। बक बक मत करो, जीप में चलकर बैठो। सर मैंने कुछ छेड़ा नहीं, मैं इसको जानता पहले से। आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, जीप में चलकर बैठो। सर इसे हथकड़ी लगा के ले जाइए। यू शट अप। क्या बात कर रही, जैसे इनको मालूम नहीं किसको क्या लगाना है ना। शट अप, चलो जीप में बैठो। चलो, नॉट यू, सॉरी बट यू टू। आई से चलो। तू कहाँ चले यार? मेरा क्या होगा? बहुत तो है राजा, हो गया 25 हफ्ते का प्रोग्राम। तो एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होकर एक शरीफ लड़की से सड़क पर झगड़ा करते, फिर क्या कर रहा हूँ? ये पुलिस ऑफिसर कहाँ का सर? ये तो नंबर वन आवारा है, आवारा। तुम चुप बैठो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा तुम इस पर अपना इस्तीफा लिख दो, उसके बाद जो जी आ गया नाचो कूदो। आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, कम इन। राजा? जी हाँ सर, यह है मेरा छोटा भाई राजा। तो तुम दोनों जुड़वा भाई हो? यस सर। कमाल है, तुम दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती है कि मेरे जैसा एक्सपीरियंस ऑफिसर भी धोखा खा गया। क्या बताएं सर, हम दोनों को देखकर सारी दुनिया धोखा खा जाती है। बट इट्स अ सीरियस मैटर, कल गड़बड़ हो सकती है कुछ ना कुछ। फायदा भी तो हो सकता है सर। इट ऑल डिपेंड्स। मेरे ख्याल में तुम दोनों में से एक कोई पहचान के लिए निशानी रख ले, मुझे या समथिंग। आपने ठीक कहा सर, वरना मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। यू जस्ट शट अप। ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा सर। लेकिन राजा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे मैं यहाँ आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। बाकी सब इनसे पूछ लेना। सर मैं भी पूछ सकता हूँ सर, कैन आई गो? श्योर श्योर यंग मैन, श्योर। आई एम सॉरी, ये गलती मेरी। अरे नो प्रॉब्लम इंडिया सर, गलती तो इंसान से हो ही जाती है, राइट? नहीं सर, मैं एक्टर बनने की कोशिश में। सर मैं भी जा सकती हूँ सर? ओह यस, एंड आई एम सॉरी। राजा मेरी बात तो सुनो, राजा, राजा मेरी प्लीज बात सुनो। अब बाकी क्या रह गया सुनने को? इतना तो कह चुकी हूँ कि मैं आवारा हूँ, झूठा हूँ, बेवफा हूँ, गुंडा हूँ। राजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, गलती इंसान से हो ही जाती है, प्लीज मुझे माफ कर दो राजा। मारो जान से मारो, लेकिन ताना
छोटी बड़ी हार लड़ने को तो उम्र पड़ी है, लड़ लेना कभी। प्यार मोहब्बत करने की रुत है छोटी बड़ी हार लड़ने को तो उम्र पड़ी है, लड़ लेना कभी। दिल ना तोड़ो साथ न छोड़ो बिगड़ी बात हारो मारो दम से मारो, लेकिन बेटा वो सरदार है ना, मुझे अपने साथ रेलगाड़ी में एक आदमी को लूटने के लिए ले जा रहा है। रेलगाड़ी में? लेकिन उस डकैती में तू क्या करेगा बेटा? जब गाड़ी आने का टाइम होगा तब मुझे पटरियों के बीच भागना होगा, ट्रेन को देखते ही मैं पटरियों के बीच ले जाऊंगा। जब गाड़ी रुक जाएगी तो सरदार और उसके साथी उस आदमी को लूट लेंगे और मैं उठकर उनकी बताई हुई जगह पर जाके छिप जाऊंगा। क्या सोच रही हो माँ? तुम डरती हो कि मैं सरदार के साथ चला जाऊंगा? नहीं माँ नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम उनके साथ जरूर जाना। क्या चोरी के लिए जाओ? चोरी के लिए नहीं, आजादी के लिए। आजादी के लिए? अब बेटा आज वो दिन आ गया है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। क्या मतलब? सुनो दीपू, गाड़ी के रुकने के बाद तुम उनके बताई हुई जगह पे नहीं जाना, तो उस रुकी हुई ट्रेन की तरफ भागना। तब तक काफी लोग ट्रेन से नीचे उतर गए होंगे और भीड़ जम गई होगी। उस वक्त तुम इन सबसे नजर बचा के उस भीड़ में घूम जाना। हाँ समझ गया, तुम यही कहना चाहती हो ना, इसके बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच जाऊँ और सारी बातें पुलिस को बता दूँ, यही ना? हाँ बेटा, रोशनी और हमारे बीच एक लंबी अंधेरी सुरंग है। आज तुम्हारी एक चलान से शायद हम उस सुरंग के पार हो जाएं। आप ये जो लाखों रुपए के जवाहरात ले जा रहे हैं ना, आपके पास महफूज नहीं रहेंगे, लाइए हमें सौंप दें। दूसरी तरफ भागने को कहा गया था तो गाड़ी की तरफ क्यों भागा? डर गया था सरदार, मुझे मालूम ही नहीं रहा कि मैं किस तरफ भाग रहा हूँ। उन लोग के बैग को लेकर अपनी गाड़ी में इस रास्ते, तुम लोग इसे साथ ले जाकर इस रास्ते जाओ। पुलिस को अभी
किसी माँ ने लाल पैदा नहीं किया जो शेर सिंह को पकड़ सके। मर गया मर्दूत, इसका झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हेलो बे, ये क्या रहा है? चोर दो रास्तों से भाग सकता है तो पुलिस उसे 100 रास्तों से पकड़ सकती है। तुमने समझा कि तूने पुलिस को झांसा दिया है? बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं था तुम्हारा बाप यहां होगा? घूमो इधर, चलो आगे। माला फिर की चलो, फिर की चलो। मैं तुझे इसी वक्त इसी जगह मार सकता हूं, लेकिन नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने साथियों के पास जिंदा वापस लौटो और उनसे कहो कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दें। समझ लो। बस निकालो। काफी समझदार हो। मैं भी तुम्हें इस वक्त मार सकता हूं, लेकिन नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें अपने भाई के पास ले जाऊंगा जो हमारा सरदार है। हम सब मिलके तुम्हारा कीमा बनाएंगे, समझे? चलो बैग लेकर मेरे साथ चलो, चलो। बैग रख दो और तुम भी बैठ जाओ। बैठो अंदर, बैठो अंदर, बैठो। क्या सोचा? समझते हो कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ हूं, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा? चाहता था कि मैं तुम्हारा पीछा करूं और तुम्हारे अड्डे तक पहुंच जाऊं। सर, thank you.
मेरे भैया कमल। हाय वंडरफुल, मुझे खूब सजती है राजा तुम्हारे मुंह पर। एक्सक्यूज मी, मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। राजा, राजा। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट अ सरप्राइज। जरा ठहरिएगा, मुझे यहाँ से जाने तो दीजिए। जाइए जाइए, जरूर जाइए, रोका किसने आपको? आओ रानी, मेरे कमरे में चलते हैं। कमरे में नहीं, जब देखो दादागिरी करते रहता है। अच्छा सर, तो मेरे खो जाना चुमी चुमी सी। हाँ क्या? अरे गुड बॉय। क्या जोड़ी लगती है, मालूम होता है कृष्ण के साथ जैसे राधा बैठी हुई हो। राम बेटे ने बताया कि बहू घर आई है, इसलिए मैं मुंह मीठा कराने चला आया। रानी, ये है हमारे चाचा, हमारे लिए बाप से भी बढ़कर है। इन्हीं की गोद में हम पले हैं और इन्हीं के कंधों पर खेल के हम बड़े हुए हैं। जीती रहो बेटी, जीती रहो। राजा बेटे जी चाचा, अब तो जल्दी जल्दी ब्याह कर ले अपनी रानी से। ये बूढ़े कान तरस रहे हैं इस घर में चूड़ियों की खनक और पायल की झनक सुनने के। आज यही बात करने आई हूँ मैं यहाँ। मेरे डैडी चाहते हैं कि अब मेरा ब्याह जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, और वो लड़का भी ढूंढ रहे हैं। क्या? हाँ। तुम्हारा मतलब कोई दूसरा लड़का? जी हाँ। मैं मर गया हूँ? फिक्र क्यों करते हो बेटे? अरे चाचा तुम्हें, मैं फौरन राम से कहता हूँ कि वो जाके रानी के पिता से मिले और शादी की बात पक्की कर ले। लेकिन चाचा, मैं तो रानी के डैडी को जानता भी नहीं। ये नहीं जानते तो क्या हुआ, जान लोगे। वो कल के डीआईजी है, तो तुम आज के सीआईडी हो। जाके फौरन सैल्यूट मारना और कहना सर यह मुकदमा बड़ा संगीन मुकदमा है, आपकी बेटी और मेरे भाई राजा ने मोहब्बत जैसा जुर्म किया है और इसकी एक ही सजा हो सकती है, उम्र कैद, यानी इन दोनों की शादी। बस बात पक्की। और एक बार जो हमारे राजा बेटे को देख लेगा वो क्या इनकार कर सकेगा कभी? बोलो तो बेटी, कब भेजो राम को? अगले इतवार को। अच्छा तो राम याद रखना, अगले इतवार का प्रोग्राम। अच्छा ठीक, 4 बजे पहुंच जाना। राइट सर। चलो तुम मुंह मीठा कर लो। राइट ऑन सर। पहले बहू का मुंह मीठा करें। यस। अरे शेर सिंह, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुमने इंसानों को तो नहीं छोड़ा, भगवान को तो छोड़ दो। मंदिरों में चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। पार्वती, तुम अब तक समझ रही हो कि मैं वही पुराना शेर सिंह हूं, डाकू चोर लुटेरा। लेकिन तुम्हें क्या मालूम, अपने भाई की मौत के बाद मैं कितना बदल गया हूं। मैं एक नया आदमी बन गया हूं। इस तरह क्यों देख रही हो, यकीन नहीं आता मेरी बात पर? यकीन कैसे आएगा सरदार, रावण होकर जो तुम राम की बोली बोल रहे हो। दीपू, एक बुरा आदमी अच्छा इंसान नहीं बन सकता क्या? जिस राम की तुम बात कर रहे हो ना, उस राम की कथा लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि भी पहले बहुत बड़े लुटेरे और डाकू हुआ करते थे। पार्वती, मेरा यकीन करो पार्वती, वो पुराना जालिम शेर सिंह मर चुका है, उसने एक नया जन्म लिया है। मैं पाप से रंगे हुए इन हाथों को प्रायश्चित की गंगा में धोना चाहता। सच कह रहे हो? हाँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ मंदिर जाकर भगवान के सामने अपने पापों की क्षमा मांगू और उसे साक्षी बनाकर तुमसे शादी कर लूं। पिताजी के कब पुकार सकता हूँ? हाँ बेटा, एक बार नहीं, हजार बार, लाख बार कहो बेटा। पिताजी, बेटा, पिताजी, बेटा, पिताजी, बेटा, पिताजी, बेटा, पिताजी, बेटा, पिताजी, बेटा, बेटा।
जीतू, शिकम वक्त यहां देर से पहुंच गया। अब क्या होगा? चलो उधर चले। ये दुनिया भी अजीब चीज है पारो, एक बार बुरा होकर सुधरने के लिए भी इंसान को डरना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे पिताजी? घबराओ नहीं बेटे, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ छुपेंगे, उसके बाद जैसे ही वो आदमी जाएगा हम फौरन बाहर चले जाएंगे। साथियों की आंखों में धूल झोंककर तुम यहाँ से भागना चाहते हो? मेरी बात मानो, आप सब लोग भी हमारे साथ चलो। अभी वक्त है, इस पाप की जिंदगी को छोड़कर हम सब एक नया रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। तुम फॉरन इंस्पेक्टर राम के पास चले जाओ और उसे जल्दी यहाँ आने के लिए कहो। लेकिन लेकिन उसे कहना कि वो बिल्कुल अकेला आए, पुलिस को साथ लेकर नहीं आए। मैं मरने से पहले उसे सब कुछ बता दूंगा और हाथ जोड़कर उसके सामने विनती करूंगा कि वो किसी भी तरीके से हमारे बच्चे को बचा ले। यह इंस्पेक्टर राम कौन है? नहीं हूँ, क्यों? तो मेरे साथ जल्दी चलो, मेरे पति खून में लथपथ एक खंडर में बड़े दम तोड़ रहे हैं और वो तुम्हें कुछ पहन देना चाहते हैं। तुम्हारे पति कौन? मेरे पति कानून की नजर में वो एक मुजरिम है। फिर तो इस काम के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। फिर मैं ही टेलीफोन कर लेता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को फोन मत करना। क्यों? उन्होंने कहा है वो तुम्हें को बहन देना चाहते हैं और तुम्हें को बुलाया है। क्या सोच रहे हो भैया, आज राखी का दिन है, समझ लो तुम्हारी बहन तुमसे भीख मांग रही है। चलो भैया। तुम यहाँ ठहरो, मैं कूद कर जाता हूँ। चले भैया। हाँ जी, चलो। तुम मुझे यहाँ लाने के लिए तुम्हारी चाल थी? यह नक्शा मैंने तैयार किया था बाबूदा, तुमसे अपने भाई का बदला लेने के लिए। हट जाओ। नहीं, मैं कहता हूँ हट जाओ। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। अब मुझे मालूम हुआ 15 साल तक मेरी जिंदगी से खेलने के बाद आज अचानक मुझसे शादी करने का और मेरे बेटे को अपना निकाह वादा क्यों किया था? इन्हें यहाँ लाने के लिए ये तो एक ढोंग रचा था ना? हाँ हाँ, ये सब ढोंग था, नाटक था। ये खून, ये गोली सब जबरी था। अच्छा नहीं, जैसे तुमने मेरे भाई को तड़पा कर मारा था, वैसे मैं भी तुम्हें तड़पा कर मारूंगा। सरदार, पुलिस! इंस्पेक्टर, इतने हैरान क्यों है? वो है आपका पुलिस वाला राम और ये है राम का भाई राजा। भाई भाई राजा। शायद आपको समझ नहीं आएगा इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको समझाता हूँ।
मुझे एक्टिंग करने का बड़ा शौक है, इसलिए जब राम ने आकर मुझसे कहा कि मुझे पकड़ने के लिए नाटक करना पड़ेगा तो बस मैं मान गया। राम के जैसे मैंने मूछें लगाई, उसके कपड़े पहने और क्या हुआ? मिस्टर राम, तुम्हें कैसे पता चला कि वो डाकू दूसरा ड्रामा खेलते थे तुम्हारे साथ? जब उस औरत ने मुझसे आके कहा कि उसका पति पुलिस के सामने नहीं सिर्फ मेरे सामने बयान देना चाहता है, तो पता नहीं मुझे कुछ शक होने लगा। मुझे लगा कि वो औरत झूठी है और उसके पीछे कोई चार है, इसीलिए मैंने तरकीब सोची, राजा को राम बनाया, आपको इन्फॉर्म कर दिया। राम जादी, तुमने क्या बड़बड़ा खेल बिगाड़ दिया मेरा। क्यों जान बचाई थी उसकी? मैं पूछता हूँ क्यों हंसती है? हाँ, इसलिए हंस रही हूँ कि आज एक हत्यारे का खूनी नाटक कामयाब न हो सका। इसलिए हंस रही हूँ कि आज बधी नेकी को जीत नहीं सकी। क्या लगता था वो तुम्हारा? बाप लगता था, भाई लगता था या कुछ और? समझ लो, वो मेरा भाई लगता था। मेरा दुश्मन और तुम्हारा भाई? मेरा ही नहीं, उन तमाम अपनाओं का भाई है जिनकी वो तुम जैसे समाज के दुश्मनों से रक्षा करता है। बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हारा फैला दे सका। अपना ये शौक भी पूरा कर लो शेर सिंह, अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है एक मेरे बेटे के सिवा, बस उसे आजाद कर दो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हें भी आजाद कर दूंगा इस दुनिया से, लेकिन इससे पहले जिसे तू अपना भाई मानती है उसकी जान अगर मैंने तुम्हारे हाथों से न ली तो मेरा नाम भी शेर सिंह नहीं है। लेकर उसे बंद कर दो इसके बेटे के साथ से। आपने देखा सरदार, वहां एक नहीं दो सीढ़ी अफसर थे बिल्कुल एक जैसे। हाँ, लेकिन उस कमबख्त राम की होशियारी की ताक देनी पड़ेगी। अपने जैसा दूसरा आदमी लाकर हम सबको उलझे में डाल दिया। अब अगला कदम उठाने से पहले इस बात का मालूम करना बहुत जरूरी होगा कि इन दोनों में असली कौन है और नकली कौन है। उस औरत को देखने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है सर। जो शेर सिंह की टोली डाके डाल रही है वही टोली जवान लड़कियों को अगवा भी कर रही है। हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है सर। यस। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ पुरानी फाइलें देखना चाहूंगा, हो सकता है उनमें से हमें कोई नया रास्ता, कोई क्लू मिल जाएगी। श्योर। थैंक यू सर। ये लीजिए सरदार। गुड। जो काम मैं पार्वती के जरिए करने में कामयाब नहीं हुआ वही काम मैं इस फोटो के जरिए करके दिखाऊंगा। जाओ, जाकर कालू को मेरे पास भेज दो। ओके बॉस। क्यों पहले किसका बोले? शाबाश। हेलो, मैं रानी बोल रही हूँ। और मैं रानी का राजा बोल रहा हूँ। ए, शर्मिया थी। तुम्हें नहीं, अपने प्यादे को बोल रहा हूँ। देखो राजा, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैंने आज बड़ी मुश्किल से अपने डैडी को घर पे रोक रखा है और तुम्हारे भैया है क्या अभी तक नहीं आए? मैं भी इंतजार कर रहा हूँ उनका, पता नहीं शायद ऑफिस में देर हो गई होगी। अच्छा काम करता हूँ, जैसे वो आएंगे उनको फौरन तुम्हारे घर भेजता हूँ। और सुनो, अपने डैडी को जरा मस्का लगा के मामला फिट कर देना। अच्छा बाबा, तुम्हारे लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। हेलो, मैं स्पीक टू इंस्पेक्टर राम प्लीज। ड्यूटी पे गए हैं? अच्छा, आप बता सकते हैं कितने बजे आएंगे वो? 8 बजे? 8 बजे आएंगे, उससे पहले आने का चांस नहीं है जी। थैंक यू। अब क्या होगा, जब देखो ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। जब राम ड्यूटी पे जाता तो सारी दुनिया को भूल जाता, किसी का नहीं होता वो। ए प्यारे, कुछ रास्ता निकाल भाई, कोई रास्ता निकाल, नहीं तो मर जाऊंगा मैं। मेरा सेक्रेटरी है, कुछ सोचो समथिंग, प्लीज थिंक समथिंग। ये मुंह क्यों उठा के लाए आप? ये बकुफ कह के तो जनाब आप ये कह रहे हैं कि मैं खुद मूंछ लगा के उनके घर पहुंच जाऊं? हाँ।
नमस्ते, आइए आइए। बस सिर्फ दूर दूर से आइए, हम इस तरह मिलते हैं। अरे बदतमीज है आप। ऐसा बदतमीजी क्या बात है? छोड़िए मुझे। भड़कती क्यों है? मेरे दिल पे हाथ रख के देख किस तरह धड़क लाए तेरे लिए। अरे बेटे कौन है ये, किससे बातें कर रही हो? हाँ, मैं हूँ, मुझसे बातें कर रही है। आप कौन है? मैं इंस्पेक्टर राम। ओ पुलिस इंस्पेक्टर राम। ओह यस यस, प्लीज टू मीट यू। तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है आजकल। जब मैं भी तुम्हारी तरह जवान था तो आपकी जवानी के किस्से बड़े लंबे होते हैं। मैंने आप इनसे पूछे तो सही कि ये यहाँ किस लिए आए। एक्सक्यूज मी सर, आपने अपनी बेटी को कभी सिखाया नहीं कि जब दो बड़े पुलिस ऑफिसर बात करते हैं छोटे बच्चे बीच में नहीं दखल देते। करेक्ट करेक्ट। जाओ बेटा इनके लिए हथकड़ी लाओ। हथकड़ी? नहीं नहीं, चाय चाय लाओ। हाँ चाय लाइए, अब जरा गर्म चाय लाइए, गर्म चाय। बैठो बैठो। अब बताओ नौजवान, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जी आप बहुत कुछ कर सकते हैं जी, बताओ तो सही क्या कर सकता हूँ जी। आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दें तो मेरे मतलब मेरे भाई के साथ कर दें। तुम्हारे भाई के साथ? जी। तुम्हारा भाई क्या करता है? जी उसे एक्टिंग का बड़ा शौक है, वो एक्टर बनने की कोशिश में लगा, जैसे दिलीप कुमार राज कपूर। एक दिलीप कुमार वल्द राज कपूर कौन है भाई? नहीं सर वो एक आदमी नहीं, दो दो अलग आदमी है जी। जैसे दिलीप कुमार राज कपूर बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं सर। जी तो तुम्हारा भाई भी एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है? जी अच्छी नकल कर लेता है, अगर एक्टिंग अच्छी। तो फिर भूल जाओ मेरी बेटी को। क्यों 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 सर? मिस्टर मेरी बेटी की शादी होगी तो किसी पुलिस ऑफिसर के साथ ही होगी। एक बार अपनी बेटी से भी तो पूछ लीजिए, आजकल तो जमाना बदल गया। ए नौजवान जाकर सारे पुलिस डिपार्टमेंट से पूछो, मैंने जब तक सर्विस की है जमाना मेरे साथ बदलता रहा है, मैं जमाने के साथ नहीं। वो तो ठीक है सर है? लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी चीज है जिसपे पुलिस का हुक्म नहीं चलता है, वो है प्यार मोहब्बत इश्क। ए नौजवान ये इश्क विश्क के किस्से हमें मत सुनाओ, हमने भी बहुत इश्क किए हैं। जब मैं तुम्हारी तरह जवान था तो उस वक्त हर कोई बात नहीं। ये बताओ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? जी नहीं। अरे वेरी गुड, तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। अरे वेरी गुड। नहीं डैडी ये कभी नहीं हो सकता। आज तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो, क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छी बात है सर। हाँ वेरी गुड, अब जाकर अपने किसी बुजुर्ग को यहाँ भेजो, शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगा मैं। अच्छा भाई आता है। सर मैं दरअसल अपने भाई की शादी की बात करने आया था, आपने तो शादी मुझसे ठहरा दी। मुझे तो डर लगता है सर। डर लगता है? ए, तुम पुलिस ऑफिसर हो या नहीं? नहीं सर, मैं हूँ सर। तो फिर डर किस बात का? सर मैं अपने भाई के बारे में सोचा था सर। वो भाई के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है सर, अपने भाई को समझा दूंगा, समझ लूंगा सर। अब क्या? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। डैडी ये आपने क्या किया? मैं इससे नहीं, इसके भाई राजा से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। इससे नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। राजा कहाँ गए थे तुम मेरे कपड़े पहन के मेरे जैसी मूछ लगा के? जहाँ तुम्हें जाना था। 7 दिन पहले तय हुआ था कि आज तुम रानी के घर जाओगे मेरी बात करने, लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या करता? मैं कोई जरूरी काम में फंसा हुआ था। काम काम काम, मैं पूछता हूँ इंसान की जिंदगी में काम किस बार और कुछ भी नहीं है क्या? खानदान घर गृहस्थी रिश्ते नाते भाई बरादर तुमसे तो चलना चाहना है। राम ये घर है हवालात नहीं, तुम जबान के बजाय तमाचे से बात करने लगे हो। तमाचा तो क्या, तुम्हें इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मालूम है तुम्हें किसी और का भेष बदल कर अपना मतलब निकाला कानून के अंदर जुर्म होता है, और उस दिन अपना मतलब निकालने के लिए मुझे राम बनाया था वो जुर्म नहीं था क्या? नहीं नहीं, जो काम कानून के इशारे पर कानून के दायरे में किया जाता है वो जुर्म नहीं होता, और जो काम मोहब्बत के इशारे पे मोहब्बत के दायरे में किया जाता है वो भी जुर्म नहीं होता। तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारे इस घटिया ड्रामे से मेरी नौकरी और तुम्हारी जान भी जा सकती है। ओ, तो फिर आप अपनी नौकरी बचा लीजिए भैया, मेरी जान की फिक्र मुझ पे छोड़ दीजिए। चल यार चले यहाँ से। घर छोड़ के जा रहे हो?
घर? तुम्हारा कैद खाना छोड़ के जा रहा हूँ। पागल हो गए हो? राजा बेटे, ये क्या बचपना है? इतनी सी बात पर तुम घर छोड़ने के लिए तैयार हो? मुझे छोड़ दो चाचा। मुझे आज मालूम हुआ कि इसे अपने भाई से अपनी नौकरी ज्यादा प्यारी है। इसके एक तमाचे से सारे रिश्ते टूट गए। राजा, क्या हुआ? राम, मुझे माफ कर दे, राम मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, राम मुझे माफ कर दे। जाओ, माफ कर दिया। हैं? ये सब नाटक था? ऐसी तो जान ही निकल गई थी। क्यों? तुम एक्टर हो तो हम एक्टर के बड़े भाई हैं। हम देखना चाहते थे कि एक तमाचे से भाइयों का रिश्ता सचमुच टूट सकता है क्या? बड़े भाई का इतना भी हक नहीं होता राजा? मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। चाचा, तुम क्यों रो रहे हो चाचा? बेटे। चाचा, क्या हुआ चाचा? बेटे, तुम दोनों भाइयों को देखकर ऐसा मालूम होता है कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी हो। भगवान करे तुम दोनों का ये प्यार हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। अच्छा बेटे, ये बताओ, डीआईजी साहब से क्या बातचीत हुई तुम्हारी? कुछ मत पूछो चाचा, कुछ मत पूछो। डीआईजी साहब ने एक असूल बना रखा है कि अगर उनकी बेटी की शादी होगी तो एक पुलिस अफसर के साथ होगी। हम पुलिस अफसर बन के वहां पहुंच गए, तुमने फटाफट हां बोल दी। बस ये रानी नहीं 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 करती रही बहनों वाइफ। भैया, इस उलझन को तुम्हें सुलझाना पड़ेगा। हमें तो पहले ही मालूम था कि तुम मामले को उलझाओगे और सुलझाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो जाओ, बड़े बने हो तो बड़े भाई का फर्ज भी अदा करो, जाके बात पक्की करके आओ। सिर्फ बात ही नहीं चाचा, शादी का मुहूर्त भी निकलवा के आऊंगा अपने छोटे भाई के लिए। कुछ भी तो फिक्र ना कर। अगर मेरी शादी पक्की करके आ गया भैया, तो मैं आपको जीवन भर का गुलाम, फूलों के हार से स्वागत करूंगा आपका। हाँ, तो फिर हार तैयार रखना। गुड इवनिंग कमिश्नर साहब। हाँ जी, हाँ जी, मैं राम बोल रहा हूँ जी। जी हाँ, हुकुम कीजिए। इस वक्त ऑफिस में? जी हाँ, हाजिर होता हूँ जी। हाँ, अभी आता हूँ। राइट सर, राइट। सर्कुलर सुबह पहुंच जाएगा। ओके। गुड इवनिंग राम, तुम पुरानी फाइलें देखना चाहते थे ना? ये ले जाओ। जूली, ओके, सब रेडी है? गुड। इंस्पेक्टर वर्मा, ये आई शाम के पास। गुमशुदा लड़का नाम पार्वती, पिता का नाम ठाकुर ठाकुर राम प्रसाद वर्मा की बेटी पार्वती मेरी दीदी सिंधा है। रिपोर्ट लिखवाने वाले का नाम दयाराम त्रिवेदी है। क्या छोड़ने लगी? तुमने मेरा पूरा 30 रुपए का नुकसान कर दिया। अगर ये तस्वीर फ्रेम करवा के ला रहा मैं। ये तस्वीर किसकी है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? अच्छा बाबा, नाराज क्यों होते हो? ये लो कुछ रुपए, दूसरा शीशा लगा लो। इसे अपने पास रखिए। रख लो ना जी। बड़ा है क्या देने वाला। Thank you.
जान बचाने के लिए उसने अपनी जान उस डाकू के हवाले कर दी थी और जाते वक्त कह गई थी कि यह बात तुम पे जाहिर ना हो। राजा राम पहले तो पहले मजाक किया था, अब तो मैं सच्ची जा रहा हूं यार। नहीं, नहीं, नहीं। राजा देखिए राजा एक वादा होगा तुम्हारा, तुम्हें दीदी का पता लगाना पड़ेगा। ये तुम्हारा फर्ज है राजा। लेकिन कहाँ है दीदी भैया? हाँ भैया बोलो 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 भैया बोलिए बोलिए। उस दिन तू शेर सिंह के सवाल कोई नहीं कर सकता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सर, मैं उसे बदला लूंगा, उस कमीने का खून पी जाऊंगा। नहीं राजा, कानून कहता है मुजरिम से बदला ना लो, उसे सजा दो। मैं देखूंगा कि राम के कातिल को सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ, तुम्हारी और राम की शक्ल बिल्कुल एक सी है। मैं इस बात का फायदा उठाकर एक प्लान बनाना चाहता हूँ ताकि मुजरिम चक्कर में आ जाए और वो ये समझे कि मरने वाला राम नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई राजा था। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें राम बनना होगा। मुजरिम तुम्हें मारने का दूसरा प्लान बनाएंगे और उनका यही प्लान उनकी मौत का फरमान होगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? मुझे कुछ भी मंजूर है कमिश्नर साहब। शाबाश। ये लिफाफा हमें राम की जेब से मिला था, इससे मालूम होता है कि इन डाकों का इस प्रकाश होटल से जरूर कुछ ना कुछ ताल्लुक है। तुम उस होटल में राम बनकर रहोगे और हम अखबार में छपवाएंगे फिल्मी सितारा राजा जो कल रात शूटिंग से वापस आ रहा था चंद गुंडों के हाथ गोली का शिकार हो गया। यह पता नहीं चला उसकी उन गुंडों से क्या दुश्मनी हो सकती थी। पुलिस इस मामले की जोरदार जांच कर रही है। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि जिसका खून हुआ वो राजा मशहूर सीआईडी ऑफिसर राम का जुड़वा भाई था। सरदार तो हमने इंस्पेक्टर राम को नहीं एक्टर राजा को मारा। पुलिस कमिश्नर ने हमारा प्लान पास कर दिया है और उनकी सिफारिश से मुझे होटल प्रकाश में नौकरी भी मिल गई है। मैं जरा ड्यूटी पे जाता हूँ। देखिए क्या होता है,
चंदर, तो जो कुछ भी मेरे लिए कर रहा है, थैंक यू वेरी मच यार। क्या बात कर रहा है थैंक यू वेरी मच यार? मैंने कहा नहीं था मैं अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकता हूँ प्यारे? ठीक है, मैं भी रानी से मिलकर उसे सारी बातें समझा कर तुम्हें अब्दुल प्रकाश मिलता हूँ। पक्का? सी यू राजा। चंदर, राजा नहीं, राम। ओ सॉरी सॉरी, राम राम राम। तुम खूनी हो खून, वो भी अपने भाई के खून। क्या कह रही हो रानी? मैं ठीक कह रही हूँ, राजा तुम्हें कांटे की तरह खटक रहा था, इसलिए तुमने उसका खून करवा दिया ताकि तुम मुझे पा सको। लेकिन राम, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी, नहीं मिलूंगी, नहीं मिलूंगी। अरे मरे हुए भाई राम के बारे में ऐसा सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती रानी? मैं राजा हूँ। राजा तुम? हाँ रानी मैं। उस दिन भी मैं ही आया था राम बन के तुम्हारे घर शादी की बात करने। बाद में उस भूल को सुधारने के लिए जब मैंने राम को तुम्हारे घर भेजा, रास्ते में राम। तो फिर अखबार वालों को झूठी खबर छापने की क्या जरूरत थी? वो खबर पुलिस ने छपवाई थी ताकि राम का कातिल उलझन में पड़ जाए। और मुझे माफ कर दो राजा, मैंने भूल से तुम्हारे भाई के बारे में ऐसा सोचा और न जाने क्या कुछ कह बैठी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है रानी, कसूर तो मेरा ही है, मेरी नादानी के वजह से सब कुछ हुआ है। अब तुम घर जाओ, मुझे राम बन के बहुत से हिसाब चुकाने रानी। लेकिन राजा मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रानी समझने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहता लोग हम दोनों को साथ देकर समझे कि मैं राम नहीं राजा हूँ। ये पुलिस की चाल है, तुम्हें मुझे कुछ दिन के लिए भूलना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर राम, वेरी वेरी सॉरी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई एम वेरी सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज, दी लेफ्ट स्ट्रीट, ओके ओके, बॉय 700 रूम नंबर 302 में जल्दी पहुंचाओ। क्या कहा? राम होटल प्रकाश में ठहरा है? हाँ सरदार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो होटल में रूम बुक कर रहा था। नंबर 302। जानती हो दफा 302 का क्या मतलब होता है कानून में? खून। That's right, baby. राम का खून। Like to have massage, sir? क्या? मालिश, मालिश। I don't. मालिश? You मालिश? मालिश, hair मालिश? You? You क्या? Of course me. Get away. Get away? मुझे मालिश करिए ना। I say get away, man. No, 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 थोड़ी मालिश, please. थोड़ी. Hey, hey. No, man. Oh, no, but थोड़ा मालिश आई। अरे मालिश तो हो, अरे क्या करो, क्या करे मालिश यहाँ? हाँ ओके, थैंक यू सर। मिस जनोवा पलट जाइए, पीछे से शुरू करेंगे यार। खतरा है।
वेरी मच। आप नहीं आती तो मेरे दोस्त की जान चली गई होती। काफी बहादुर लड़कियां। आपका एड्रेस। खाने का शुक्रिया और इतनी प्यार से खिलाने का शुक्रिया। अजी शुक्रिया वक्रिया छोड़िए कि मुझे, हम तो आपके एहसान मंद है। करेक्ट। ऐसे हसीन कदरदान मेहरबान जवान मेहमान रोज रोज थोड़े मिलते हैं। अब तो अपना एड्रेस दे ही दीजिए। ओह माय गॉड, क्या हुआ? 10 बज गए, मेरा हॉस्टल बंद हो गया होगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? जाए तो जाए कहाँ, अरे सो जाइए ना यहाँ। व्हाट, इनके कमरे में? चंदर, तुम्हारे होटल में कोई सिंगल रूम खाली है? सिंगल रूम? इस होटल में बाथरूम खाली नहीं है, तुम सिंगल रूम की बात करते हो। देखिए मैडम, आप इतनी पढ़ी लिखी नए जमाने की आजाद लड़की हैं, इसमें घबराने की क्या बात है? आपका दिल तो साफ है ना? और तुम्हारा दोस्त? हाँ बिल्कुल करेक्ट, बात बन गई। आइए। अरे आइए ना प्लीज। That's right, that's like a smart girl. देखिए मैं आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता हूँ। ये रहा एक और ये रहा दूसरा। ये है दो सिंगल रूम, इस तरफ लड़की सोएगी, इस तरफ लड़का, दोनों के दिल साफ। ओके राइट, बाय बाय, सी यू। देखिए अगर आपको ये ठीक नहीं लगता तो मैं सोफे पर सो सकता हूँ। नो नो इट्स ऑल राइट, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। सुनिए मुझे ठंड लग रही है। तो मैं क्या करूँ? एयर कंडीशन बंद कर दीजिए। अब मुझे गर्मी लग रही है, खिड़कियां खोल दीजिए ना प्लीज। सुनिए अब क्या है, बत्तियां बंद कर दो ना। ओ यार तुम क्या हुआ? मुझे अंदर में डर लगता है, मैं जब तक नहीं सो जाती आप मेरे पास आके बैठिए ना। देना ही पड़ेगा। गर्मी लग रही है, ले जाता पैसा के साथ। चला 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 चला। दोस्त तुम्हारा शक ठीक निकला, ये सब लड़कियां तुम्हारी जान के पीछे पड़ी हुई थी। हाँ दोस्त, बस आगे आगे देख होता है क्या। शाबाश राजा,
तुम तो एक्टर से सचमुच पुलिस ऑफिसर बन गए। उन लड़कियों को गिरफ्तार करने में तुमने जो होशियारी दिखाई है उसके लिए तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे दिल के घाव अभी तक भरे नहीं कमिश्नर साहब, और वो तब तक भरेंगे भी नहीं जब तक मैं अपने भाई के कातिल को पकड़ नहीं लेता और अपनी बहन का पता नहीं लगा लेता। अबे ये क्या कर रहा है? बिजली का झटका लग गया तो मर जाएगा। अबे मरने के लिए तो कर रहा, एक नंबर नहीं जाने देता, तब भी तो मरूंगा। अबे तू मर गया तो सरदार मुझे जान से मार डालेगा। तो मैं क्या करूं? मरो नहीं तो खोलो। खोलता हूँ बाबा, खोलता हूँ। चलो उतारो। क्या मुसीबत है बाबा, चलो चलो। अबे उतारो ना। चल। अबे उतार। मुंह से आवाज निकाली तब गोली चढ़ा दूंगा। चलो मारता गन्ना खोलो, चलो चल तेरी से। पीछा करते हैं, चलो चलो। हाँ चलो। ना उसकी लाश का कोई निशान मिला और ना ही शोर मचा, जाने कहां हवा में गुम हो गई। सुनो,
तुम प्रकाश होटल में जाकर ये कमरा लेकर बाहर हो और सीआईडी के कमरे पर कड़ी निगाह रखो। मुझे पूरा यकीन है वहां से हमें पार्वती के बारे में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। जी सरदार। आप? जी अच्छा तुम होश में आ गए, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। क्या? तुम्हारा पति कहाँ है? मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारा पति कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। देखो झूठ बोलने की कोशिश मत करो, तुमने उस दिन कहा था कि वो तुम्हारा पति है, बोल कहाँ है वो? मुझे कुछ मत पूछो, मैं कुछ नहीं जानती। ये क्या है? तुम पीछे तो मत जाओ, ये तो पुलिस का मामला है, बोल। ये क्या कर रहे हो तुम? ये हालत में हाथ उठा रहे? चाचा ये औरत नहीं चोरे है, टकाते हैं। पार्वती मेरी बेटी, तूने मुझे नहीं पहचाना बेटी, मैं दयाराम तेरा चाचा बेटी। हाँ चाचा, पार्वती चाचा तुम इसे जानते हो? हाँ बेटी, तुम इसे नहीं पहचान सके? यही तुम्हारी दीदी पार्वती। दीदी मेरी दीदी भैया, मेरे भैया, मेरे भैया। मेरी बात मानिए सेठ जी, इन हीरों के लिए इससे ज्यादा कीमत और कोई नहीं देगा। नहीं नहीं, 5 लाख से एक पैसा कम नहीं, समझे? अच्छी बात, मैं पार्टी से बात करता हूँ। बात क्या करना, मंजूर है पार्टी लाओ, नहीं तो हम माननीय बॉम्बे जाएंगे, समझे? ऐसा ना कहिए सेठ जी, मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं कोई ना कोई पार्टी जरूर लाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग, चाय रख दो। हैंड्स अप, सारे हीरे मेरे हवाले कर दो। लाओ जान देखो, अगर तेरा भी जबान खोली तो ये गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। लाओ हैंड्स अप। पुलिस को चकमा देना इतना आसान नहीं है, झूठ का माल देने का लो। कम ऑन, गेट अप, कम ऑन। कौन मेजबान है आप लोग जिन्होंने मुझे बचाया और पुलिस को मारा? पुलिस को जाने दुश्मन? ओ शेख उर्रम खुखार, वर्दी बाद में देखता गोली ढशम पहले चलाता, महाजबीन महाजबीन। तो फिर मिलाइए, ये न खुरबीन ये न बुआ ये न खुरबीन ये न बाबे शेख उर्रम दाफे दुबई। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दोस्तों आज मेरा जन्मदिन है, आज रात को आप लोग मेरे खासूसी मेहमान होंगे। बहुत अच्छे, फिर तो आज हम खूब नाचेंगे खूब गाएंगे। राजा के प्लान का पहला कदम सक्सेस। Ma.
है तू, कौन हूँ मैं, कौन है तू, यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं, चलो बता दे सभी को मगर नहीं। सभी को मगर नहीं, कौन हूँ मैं, कौन है तू, ऐ कौन हूँ मैं। हमको तुमको याद हो के ना हो, अपना कोई नाम तो जरूर है। और हमको तुमको याद हो के ना हो, अपना कोई नाम तो जरूर है। नजर नहीं, चलो बता दे सभी को मगर नहीं, कौन हूँ मैं, कौन है तू, ए कौन हूँ मैं। बता दे सभी को मगर नहीं, कौन हूँ मैं, ए कौन है तू, कौन हूँ मैं, कौन है तू, यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं, चलो बता दे सभी को मगर नहीं। प्रकाश
मैडम बोलो, मैं होटल में आया था। नहीं बेटे, तेरे राम मामा को तो शेर सिंह ने मार डाला। क्या? हाँ बेटे, लेकिन तुम मुझे राजा मामा कैसे मत दुकाना। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों ने शेर सिंह को उछल में डालने के लिए ऐसी खबर फैलाई कि जो मारा गया था वो राजा था, राम नहीं। चले यहाँ से चुपचाप। भाई मैं तारीफ करता हूँ पुलिस के महकमे की, जिसने झूठी खबर छुपवा कर मुझे इस धोखे में रखा कि जो मेरी गोली का निशाना बना था वो पुलिस इंस्पेक्टर राम नहीं, राजा था। मगर बखुरदार शायद तुम ये भूल गए हो कि ऊपर वाले ने सबका बाप भी पैदा किया है। फिर भी मैं तुम्हारी एक्टिंग की दाद देता हूँ। तुमने ऐसा भेद बदला कि मुझ जैसा माहिर बहरूपिया भी थोड़ी देर के लिए धोखा खा गया। लेकिन एक बात तो बताओ राजा, वो जो पुलिस इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार करने आया था, क्या वो भी तुम्हारा याद है? वो ही नहीं शेर सिंह, वो हीरों का सौदागर और उसका दलाल भी मेरे आदमी थे। ओह आई सी। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा आदमी होटल प्रकाश में आके ठहरा हुआ है, तो मैंने ऐसा दाना फेंका कि तुम्हारे आदमी के जरिए हीरो की बात तुम्हारे कान तक पहुंचे और तुम एक लालची कुत्ते की तरह पहुंच जाओ। एक्टर की औलाद, अब देखना ये लालची कुत्ता किस तरह तुम्हारे तमाम खानदान से किन किन के पत्ते लेगा और किस तरह तुम सबकी पोटी पोटी नोच कर खाएगा। बने जी सरदार, जाओ और पार्वती जी को यहां ले आओ। शेर सिंह, तेरी जितनी प्यास है खून की मेरे खून से बुझा ले, लेकिन मेरी बहन और उसके बेटे को छोड़ दे। नहीं मामा, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन बड़ा कर डाकू का बेटा कहलाना मंजूर नहीं। सरदार, मार मामा को छोड़ दो, मुझे मार डालो, मेरी जान ले लो सरदार, मेरी जान ले लो। All right.
दूसरे भाई से मिलने जा रही हूँ। भाई तेरे नहीं, नहीं, नहीं। मैं बोलूँ तो ठीक, तू चुप जा के